ask her what you want to say about looks and your or what you want to say about your role in the film and how was the first meeting with Khalid sir in Dubai? Well, at least everything started coming to Dubai. I never thought that after finishing that small trip, I was going to get this big role and this big opportunity. I'm very honored for the opportunity. I'm very honored for the opportunity. And being here, all I want to say is about my role. I am super excited to be here to get to see this film. I cannot give a lot of details about what's going to be, but I'm super excited for the opportunity of being here. Thank you all for coming and receiving me with a warm welcome. Thank you so much for being here. So this experience started in Dubai with the small trip that I was doing as Miss Global. Being here, I believe it's part of my destiny. I was able to be here. So yes, I'm super excited and very, very, very excited for this part in my life, this journey that I'm about to start. So yes, I cannot talk about a lot about my character, but it's something that I was always looking forward to play. So I'm super excited for everything to start and you showcase a very good movie. That for sure. Are you learning Hindi here? I am starting to learn a lot of Hindi. I already know Namaste, India, but definitely there's a lot more to go. I ensure you that next time I come, I'll know more Hindi, for sure. And how are you liking the media from India? Oh, definitely the best one. Best one so far. So thank you so much for coming here, for giving me this warm welcoming. It's been an honor for us to be here. Thank you. Mansi ji, Miss Globe India, जीतने के बाद अब एक फिल्म शुरू हो रही है जिसमें आप एक बहुत अच्छा किरदार कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? This is very unpredictable. बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए. एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया. आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट. यस, कौन सा किरदार करने अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? मोर ऑफ इट्स not decided yet, but let's see kya hota hai. Okay, thank you. Thank you. पीछे फिल्म के बारे में बताएं, आपकी जो लास्ट फिल्म थी जब आप इंडिया में थी, अभी आप दुबई में सेटल हैं, तो इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो गया? लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया 2020 दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज हुई. मेरे लेजेंडरी ओम पुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लेजेंडरी हो गए और कुलभूषण सबंदा जी भी एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था. वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर है वो मनीष गोयल जी, ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया और ये साइबरमैन का टाइटल देने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने अचीव किया. उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए, ये कोई रियल इंसिडेंट है, लेकिन उसको वो फिल्म में पर्दे पर जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर लाया जाए. इससे यही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को इसके ज़रिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है, और इसलिए इसको हमने पहले पर्दे को लाने का
गाना, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, क्योंकि मैं लास्ट 25 इयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा, तो उसको अच्छे तरीके से लाइन पब्लिक को दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है बहुत इनोसेंट है, इसको नहीं मालूम होता है और वो किसी फ्रॉड में किसी उसमें फंसते चल जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये अब जो मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। हजें साइबर फ्रॉड क्योंकि डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल उसमें चल रहा है, डिजिटल इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल सकते हैं, तो उन सबके लिए मैसेज है और अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट। राकेश जी, आप अनीश जी के साथ एसोसिएट एज ए डायरेक्टर में थे और ये फिल्म की कहानी जब आपको सुनाई गई और ये जो प्रोजेक्ट आज अनाउंस किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी कुछ बहुत कुछ बोल दिया आपने, मैं फिर भी क्या यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कंफ्यूजन भी था, जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें, और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है, तुमने बोला यार बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। जी सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है, जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूंकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वही रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है, उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस, कि अगर एक इंसिडेंट खत्म हुआ और दूसरे पे जाना है तो हमको तो 10 महीने का टाइम लगा, अब 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है, तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो जो हमको लगा कि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों ने पकड़ लिया। थैंक यू। आपके साथ जब फ्रॉड हुआ 2016 में, उसके बाद आपने 10 महीने तक जद्दोजहद करके उस चोर को पकड़ा, उसके बाद अभी तक आपने 5 लाख से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं, और जब ये इससे मुलाकात हुई डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर साहब से, तो फिर क्या आपने इनको सुनाया कि क्योंकि ये नई कहानी होगी, अभी तक पर्दे पे देखी नहीं होगी लोगों ने, तो आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करते तो मेन क्या टॉपिक होता है उस केस को सॉल्व करने के लिए, क्या तरीका सोचते हैं? एक्चुअली जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, यानी बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी ना, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना, जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है, और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है बताऊँ किसे, किसे बताऊँ, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से, मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए, तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं और लगभग आई थिंक रोज के 10-12 केस मेरे पास आते हैं, जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे, 11 रुपये,
मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपए चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा। लेट्स, इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। मनीष जी, अभी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, आपने आज देखा दो कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन, यकीन मानिए, मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप, अगर आप ठीक है, अगर आप, आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी बिल्डर बॉडी की जरूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सब स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए, चोरी आनी चाहिए, चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रैप है या एक्सवाइजेड जो भी एक, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति, यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ दिल तक जाती है, क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है या अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज ना करें। मैं क्या कहे, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते हैं, और मैं उस वक्त कहना भूल गया, पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ, और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफी देर तक कॉल पे लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले में, तो हाँ मैं वही हूँ, खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते। उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया, लेकिन हाँ ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं, इसके लिए पुलिस ने डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से, और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है, तो लेट्स सी, जैसी शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएंगे। देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है, तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ इसमें, पॉजिटिव। इंडियन 2 रिलीज हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं, फिर डी2आर का एक वेब सीरीज है, वो थोड़ा सा फिक्शनल है, और भी दो चीजें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। और यार देखो, मैंने सारे ऑलमोस्ट ओलंपिक के सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के मैचेस देखे हैं, दिनेश जी का मुझे बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है, और
विजेंद्र जी बोल रहे थे कि जो कि ओलंपिक के हमारे मेडलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एक रात में 5-5 किलो वजन कम कर लेते हैं। ये 100 ग्राम कैसे, हाँ ये 100 ग्राम नहीं हो पाया कम, तो ये बात कुछ समझ में नहीं। तो अब पता नहीं, क्योंकि मीडिया पे इतनी बहस है इसके ऊपर कि कुछ लोग कह रहे हैं साजिश हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बहुत खराब लगा, इतना खराब लगा, क्योंकि मैं सारे मैचेस, मैंने हॉकी के सारे मैचेस देखे, मैंने नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो है देखा, हालांकि वो बैड लक हो गया, उनके हाथ में थोड़ी तकलीफ है, फिर भी इतनी तकलीफ के बाद वो इतना नाम रोशन किया है, देश का सिल्वर लेकर आया है, फिर एक यंग लड़का कल ही अमन जिसने ब्रॉन्ज लिया है। तो देखिए हमारे प्लेयर्स ना तो जज्बे की कमी है ना ही मेहनत की कमी, कहीं कुछ कमी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूं कि इनकी कमी उनकी कमी, हालांकि मैं वहां बैठा नहीं हूं ना ही मैं उस सिस्टम को जानता हूं, तो जिसकी भी कमी है उसको पूरा करके, उसको ख़त्म करके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा सहूलियतों के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम आज 60वें नंबर पे थे तो शायद हम 40वें पे आ जाए, ऐसा धीरे धीरे हम बढ़ते रहे। थैंक यू।